जो सिचुएशन है उसके अंदर ड्रास्टिक चेंज हुआ है, और वो ड्रास्टिक चेंज ये हुआ है कि हम जब मतलब लाइक जा रहे थे और अभी हमने नाश्ता करते टाइम हमने देखा कि लेट्स सी कि क्या न्यूज़ है उत्तराखंड के, और हमें पता चला कि उत्तराखंड में जो लॉकडाउन है उसको बढ़ा दिया गया है बाय 8 डेज। तो अभी हमारा जो बुकिंग था और वो सब जो चीज़ें थी तो वो उसकी तरह पे ही रह गई, और उसकी वजह से दोस्तों हमें कुछ चेंज करना पड़ा हमारी आइटिनरी के अंदर। अभी जो नई आइटिनरी है उसके हिसाब से अभी हमें उत्तराखंड जाने का नहीं है और हमें उतरने का है न्यू दिल्ली। अभी न्यू दिल्ली हम उतरेंगे और उसके बाद हमें लेनी पड़ेगी फ्लाइट, और वो फ्लाइट कहाँ की होगी तो अभी हम कार में बैठ चुके हैं, और ये कालूपुर जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे अभी पहुँचेंगे, और वहाँ से जो ट्रेन है उनको बोर्ड करने का है। हमारी जो ट्रेन है वो एग्जैक्ट टाइम पे 10:55 को निकल जाएगी, और 10:15 हुए हैं तो वी आर ऑन टाइम। अभी ये पिंटू भाई जो है वो मेरे को ड्रॉप कर रहे हैं। नया मास्क पहना हुआ है, पापा ने दिया हुआ है, और आपको लगा बाल भी आपको ऐसे घुंघराले नहीं दिखेंगे क्योंकि अभी जो रिंग है वो लगा दिया आपको पता होगा, तो ऐसा ही है। अभी सामान बहुत ज़्यादा है तो हम बीच में कुछ बात नहीं करेंगे, सीधा हम मिलेंगे आपको एक बार सामान ट्रेन में लोड करने के। खाली सेफ्टी का ध्यान रखना है, बाकी कोरोना से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मास्क पहनिए, सैनिटाइज कीजिए और सोशल डिस्टेंस, और आप गाड़ी ध्यान से चलाइए। अभी हम आ गए हैं अहमदाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, लिफ्ट बंद है। हाँ लेके आता हूँ, 5 मिनट है, मैं और गौरव जाके आते हैं। ये गौरव की एंट्री हो चुकी है हमारे साथीदार की, और ये हमारे डबल मास्क वाले दिनेश भैया। मास्क ना वो बहुत अच्छे से सूट हो रहा है अपने पर ला, वो देखो यार मस्त ठंडा वाला के। हाँ गर्मी बहुत है, नींबू पियेंगे, नींबू नहीं होते इसमें पर ना ना, कहने के नाम पे नींबू होते हैं। ये आप देख सकते हो पूरी ट्रेन में हम ही अकेले हैं, और ये पूरा जो ट्रेन है वो खाली है, कोई है नहीं, और हमने यहाँ पे सब सेटअप जो है वो करके रख दिया है। यहाँ पे पूरा सैनिटाइज कर दिया है हमने, और ये पूरी आज हमारी जगह रहने वाली है। पूरा देख सकते हो आप अच्छी तरीके से। जल्दी से तैयार है ना, नया स्टेशन आप देख रहे हो अच्छी तरीके से। ये जो नया स्टेशन है वो बनाया हुआ है कैपिटल सिटी गांधीनगर का रेलवे स्टेशन आप देख रहे हो, बहुत ही प्यारा बनाया हुआ है, डेवलप किया हुआ है अच्छी तरीके से, एयरपोर्ट स्टाइल पे डेवलपमेंट किया हुआ है। जिनेश को देख रहा है, देखा कैसा कितना अच्छी तरीके से डेवलप किया है, बहुत अच्छी तरीके से डेवलप किया। लेट्स सी अगर हम उतर पाए तो ये है कैपिटल सिटी गांधीनगर का नज़ारा, अभी अभी बनाया हुआ रेलवे स्टेशन है। ये है कैपिटल सिटी गांधीनगर, अभी भी इसका जो है वो चल रहा है, लेकिन आप देखो वेटिंग लॉन्च और वो सब इतना प्यारा बनाया जा रहा है
बहुत ज़बरदस्त रेलवे स्टेशन बनने वाला है, शेड और वो सब बहुत प्यारा दिख रहा है। और वो आप वो महात्मा मंदिर है ना, वो महात्मा मंदिर का नज़ारा भी देख सकते हो आप। गांधीनगर कैपिटल आप देख सकते हो। मस्त सो गया था, पूरी ट्रेन में कोई नहीं है, एकदम फुल एसी है और अच्छा खासा पावर नैप मैंने ले लिया। और उसके बाद अभी यहाँ पे पता नहीं ट्रेन है यहाँ पे खड़ी रही है, कोई लोकेशन वोकेशन कुछ नहीं है फिक्स, आप देख सकते हो कोई फिक्स लोकेशन नहीं है। एक नया प्लेटफॉर्म बन रहा है, आई थिंक कोई ट्रेन पास कर रही होगी, ऐसा ही कोई रीज़न हो सकता है, या तो उसको सिग्नल नहीं मिलता होगा। लेकिन वो जो भी रीज़न हो, लेकिन उसकी वजह से अभी कह के हम यहाँ पे खड़े हैं। अगला स्टॉप जो आने वाला है वो है मेहसाणा, और मेहसाणा के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो मैं आपको बताऊँगा। तो ये जो सिग्नल था वो इसलिए यहाँ पे ग्रीन है, और ये ट्रेन इसलिए खड़ी है क्योंकि जो ट्रेन है वो आ रही है। जो है वो है मेहसाणा रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड है MSN। और ये जो मेहसाणा का जो रेलवे स्टेशन है वो अभी नया बन रहा है, नया जो कंस्ट्रक्शन है वो चालू है, लेकिन ये वेस्टर्न रेलवे से ऑपरेट होता है। और दिस इज़ द लोकेशन वेयर आई बॉर्न। हमारा शख्स आ गया है, एकदम बॉटल है बॉटल लेके आ गया है, हमारा बंदा आ गया है। बढ़िया। चल अभी आबू रोड की जो फेमस रबड़ी है वो वीरेन हमारे लिए लेके आया है, तो अभी रबड़ी का आनंद जो है वो लिया जाएगा, आबू रोड की फेमस रबड़ी।
सो जस्ट अभी उठा हूँ अच्छी वाली नींद लेके, और अभी हम टाइम क्या हुआ है, टाइम 5:35, और हम पहुँचे हैं मारवाड़ जंक्शन। तो ये जो गाइस, अभी जब हम ट्रैवल करते हैं तो क्या है कि पता नहीं रहता है, कुछ फिक्स नहीं रहता है कि क्या होगा, किस तरीके से होगा हर एक चीज़ें। तो अभी कुछ चेंजेस जो है वो हो रहे हैं, और वो चेंजेस के बारे में आपको अच्छी तरीके से बताता हूँ। लेकिन पहले उस चेंजेस को मैं चाहता हूँ कि वो कर दूँ, क्योंकि बताऊँगा और एक्साइटमेंट रखूँगा और फिर उसके बाद कुछ हो जाएगा, तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि मैं आपको थोड़ा वेट करके फिर मैं शांति से बताऊँ आपको। लेकिन बहुत अच्छे चेंजेस हुए हैं, हम हरिपुर पहुँचे हैं। हरिपुर से अभी हम निकलेंगे फॉर द नेक्स्ट स्टेशन। ओ भाई, ये पहाड़ों के बीच में जो सन है वो इतना प्यारा लग रहा है ना, क्योंकि एक भी बादल नहीं है और उसकी वजह से जो सन है वो बहुत अच्छा लग रहा है। और आप बहुत सारे जो पहाड़ है वो देख सकते हो और अच्छा सा व्यू देख सकते हो आप। जो सिचुएशन है उसके अंदर ड्रास्टिक चेंज हुआ है, और वो ड्रास्टिक चेंज ये हुआ है कि हम जब मतलब लाइक जा ही रहे थे, और अभी हमने नाश्ता करते टाइम हमने देखा कि लेट्स सी कि क्या न्यूज़ है उत्तराखंड के, और हमें पता चला कि उत्तराखंड में जो लॉकडाउन है उसको बढ़ा दिया गया है बाय 8 डेज। तो अभी हमारा जो बुकिंग था और वो सब जो चीज़ें थी तो वो उसकी तरह पे ही रह गई, और उसकी वजह से दोस्तों हमें कुछ चेंज करना पड़ा हमारी आइटिनरी के अंदर। अभी जो नई आइटिनरी है उसके हिसाब से अभी हमें उत्तराखंड जाने का नहीं है, और हमें उतरने का है न्यू दिल्ली। अभी न्यू दिल्ली हम उतरेंगे और उसके बाद हमें लेनी पड़ेगी फ्लाइट, और वो फ्लाइट कहाँ की होगी, कैसे हम जाएंगे, क्या कुछ होगा वो हम आपको आगे के व्लॉग में बताएंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि जब भी आप ट्रैवल करते हो द ट्रैवल इज़ अनसर्टेन, और वो अनसर्टेन ट्रैवल का जो मज़ा है वही मतलब एकदम अच्छा वाला मज़ा है। तो अभी के ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। इफ़ यू एंजॉय दिस ब्लॉग फॉर व्हाट्स एवर रीज़न, डू लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाकी मिलते हैं एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट पे, जहाँ पे फिर हमारी नेक्स्ट जर्नी कहाँ की होगी उसकी शुरुआत जो है वो हम आपको